Yes, good morning everybody. Hey, good afternoon beta. Good afternoon. हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन के बारे में. बताओ इसके लिए दो क्वेश्चंस में सबसे पहले पूछूंगा. डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? S10. रिगार्डिंग माय पॉइंट्स. दूसरा क्वेश्चन, S10 का नाम क्या है? PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. फिक्स असेट्स के लिए S कौन सा है? S10 वैसे कोई है नहीं, बट वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए चीज का आपको ध्यान समझना है. कल जब आप लोगों से बात कर रहा था डेप्रिसिएशन के बारे में, डेप्रिसिएशन तब चार्ज किया जाएगा अगर वो टेंजिबल फिक्स असेट्स है. कौन सी असेट्स है? टेंजिबल फिक्स असेट्स है. टेंजिबल फिक्स असेट्स के अलावा किसी और असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा. इनके अलावा और असेट्स होगी उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, उनके रेस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डिस्कशन किया जाएगा. जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए S13. अरे हाँ है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए S कौन सा बड़ा? 13. और जैसे हमने बात किया इनटेंजिबल असेट्स के लिए S26. मैं कल किसी ने पूछा था मुझसे, किसने पूछा था, हाँ, कि कैसे राइट ऑफ किया जाएगा, चर्चा मैंने इसके बारे में आपके साथ की थी. पर जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए तीन डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. पहला, कॉस्ट ऑफ सच असेट्स. सेकेंड, स्क्रैप वैल्यू. थर्ड, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स. अगर ये तीन डाटा आपके पास अवेलेबल है, इसके बिहाफ पे हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं और इनफैक्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी हम कंप्यूट कर सकते हैं. अभी तक जब आपने 11th 12th में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे आपके पास एग्जाम में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलवेज गिवन होता था. यहां पे ऐसा होगा कि डेप्रिसिएशन तो गिवन होगा, डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के बोलेगा, हो सकता है आपके पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो तो आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना आना चाहिए. रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, तो कैसे क्या होगा इस चीज के बारे में अपन को यहां डिस्कशन आपके साथ करना. डेप्रिसिएशन चार्ज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, उनमें से सभी को आपको पता है, SLM WDU सभी को आता ही है बेटा. वो डिस्कशन हमें वापस यहाँ पे भी करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है, और उन्हीं के ऊपर एग्जाम क्वेश्चंस वापस यहाँ पे भी पूछे जाते हैं. बट अब हम यहाँ चर्चा जो करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं SLM कब चार्ज करते हैं, WDU कब चार्ज करते हैं, हम डिस्कशन करेंगे. शायद आपको ये पता होगा SLM चार्ज करते बस करते हैं, WDU चार्ज करते बस करते हैं, क्वेश्चन बोलेगा उससे लगा देंगे बात खत्म. बट प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ये वाटर बॉटल अगर आप परचेस करते हो तो इस वाटर बॉटल पे आप डेप्रिसिएशन लगाओगे WDV से या SLM से, आपको खुद को डिसाइड करना होगा. S10 ये नहीं बोलता है कि डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड से लगाया जाएगा. S10 ये बताता है कि ये मेथड से, इन मेथड से डेप्रिसिएशन ऐसे चार्ज किया जाएगा. ये समझा मेरी बात? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ये ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया. डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड चार्ज करना है ये कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात नहीं बोलता है, कोई भी किताब तक नहीं बोलता है कि इस मेथड से ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए. डेप्रिसिएशन चार्ज अगर करना है या आपको खुद को सोचना होगा, खुद का. अब सीधी सी बात बेटा, अभी तो आप पढ़ लिए कि भैया क्वेश्चन बोलता है WDV, क्वेश्चन बोलता है SLM. मान लो आपने एक प्लांट एंड मशीनरी आपके बिजनेस में आपने परचेज की, अब उस प्लांट एंड मशीनरी पे ये पता है वो डेप्रिसिएबल असेट से, अब बताओ कौन से मेथड लगाओगे, WDV से या SLM से? सर जो मर्जी उसे लगा लो, ऐसा नहीं होता है. रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. रिगार्डिंग माय पॉइंट्स बात करेंगे इसके लिए. बट डेप्रिसिएशन लगाने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे SLM के लिए, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए बात करेंगे बेटा, और फिर बात करेंगे WDV के लिए, फिर हम समझेंगे कि इन दोनों में से कौन सी मेथड आपके लिए बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट है. इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स हैं, उनमें से कौन सी मेथड आपके बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट है उसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे. तो सबसे पहला मेरा आप लोगों से बोलना है कॉस्ट ऑफ असेट्स. कॉस्ट ऑफ असेट्स का मतलब क्या होता है, पहला. दूसरा, इसी से एक चीज समझ में आपको आएगी. हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगा बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ये हमें समझ में आ गया, पर कब से? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डेप्रिसिएशन चार्ज करना ये पता है पर कब से? दूसरा पॉइंट, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ये समझ में आ गया, कब से करना है ये समझ में आ गया, बट किस वैल्यू पे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो हमें निकालना है. रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, कल
एक बात मैंने बोली थी डेप्रिसिएशन, और एक बात बोली थी मैंने डेप्रिशिएबल अमाउंट, कुछ याद आ रहा है? तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है लिखो बेटा समझने, कॉस्ट ऑफ असेट्स, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, बात खत्म, इतना सा पॉइंट है, इसको बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएशन अलग होता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट अलग होता है, पर डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ असेट्स चाहिएगा और क्या चाहिएगा? स्क्रैप वैल्यू चाहिएगा। एक एग्जांपल लेता हूं समझाने से पहले, इसको डेप्रिशिएबल अमाउंट क्यों बोलते हैं, इसका लॉजिक इस चीज के बारे में हम यहां पे आप लोगों से बात करते हैं। तो जब मैं कॉस्ट ऑफ असेट्स की बात करूं, ये अमाउंट कितने रुपए का है? एग्जाम्पल 12 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ असेट्स, कैसे आया बाद में बात करेंगे। मान लो 12 लाख रुपए दे रखा है और स्क्रैप वैल्यू दे रखा है 2 लाख रुपए, और यूजफुल लाइफ क्वेश्चन में गिवन है बेटा मान लो 5 इयर्स, इसको हम बाद में बात करेंगे 5 इयर्स। एक बात मुझे बताओ, कोई असेट्स आपने परचेज की, वो असेट्स आपने 12 लाख रुपीज में परचेज किया, कितने परचेज किया? 12 लाख रुपीज में असेट्स को आपने क्या किया? परचेज किया। आपको ये पता है इस असेट्स की लाइफ 5 इयर्स है, 5 साल के बाद इस असेट्स को मुझे चेंज करके नई असेट्स परचेज करनी पड़ेगी, और जो नई असेट्स परचेज जब करनी पड़ेगी तो पुरानी असेट्स को मेरे को सोल्ड करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, स्क्रैप करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ 12 लाख में परचेज की और 12 लाख के असेट्स में से मुझे पता है जब 5 साल के बाद जब असेट्स खत्म हो जाएगी, भंगार हो जाएगी, स्क्रैप हो जाएगी, तो स्क्रैप देने से इस असेट से मुझे 2 लाख रुपए मिलेगा। तो अल्टीमेटली मुझे बताओ मेरे लिए इफेक्टिव खर्चा कितने रुपए, 12 लाख रुपए या 10 लाख रुपए? अरे आवाज ही नहीं आ रही, 10 लाख रुपए। तो मुझे बताओ आपको 10 लाख के एक्सपेंडिचर को आपको ओवर द पीरियड में आपको राइट ऑफ करना है, तो 10 लाख को ओवर द पीरियड में आपको राइट ऑफ करना है। अरे हाँ है ना, अरे 12 लाख रुपए की असेट्स मैंने ये परचेज की और मुझे पता है एक केस मान लो इसके इस मशीन से एंड में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, और ये मशीन की लाइफ मेरे 5 साल है, कितने साल है बेटा? चलो 4 साल है, कितने साल है बेटा? 4 साल है। अब 4 साल है मतलब मुझे ये असेट्स मैंने परचेज कर ली, ये एक प्रकार से मेरी असेट्स है, इस असेट्स को मैं बोल सकता हूं और सिंपल शब्दों में कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ असेट्स यूजफुल लाइफ में राइट ऑफ किया जाएगा। तो बट ऑब्वियसली बात है 12 लाख रुपए की ये जो असेट्स है इसको ओवर द पीरियड मतलब कितने बेटा 4 साल दैट में राइट ऑफ करना है, मतलब कितना बेटा? 3 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए जो है ये मैंने अमोर्टाइज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। इस अमोर्टाइजेशन को टेक्निकल टर्म में डेप्रिसिएशन कहा जाता है, मतलब खर्चा मैंने 12 लाख रुपए का किया, इस 12 लाख का खर्चा मुझे 4 साल बेनिफिट मिलेगा, तो इस खर्चे को मैं 4 साल में क्या करूंगा बेटा? मैं राइट ऑफ करूंगा। तो ये जो राइट ऑफ करना 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए राइट ऑफ करना, इस राइट ऑफ करने को क्या बोलेंगे बेटा? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एक बात चाहूंगा, क्या एक बात बताओ, ये 3 लाख रुपए का खर्चा हमने इस साल रिकॉर्ड किया, 3 लाख का खर्चा हमने इस साल रिकॉर्ड किया, 3 लाख का खर्चा हमने इस साल रिकॉर्ड किया, 3 लाख का खर्चा हमने इस साल रिकॉर्ड किया, खर्चा रिकॉर्ड किया, पैसा आज गया है पहले जा चुका है? जा चुका। तो 12 लाख का कैश का फ्लो हुआ, पैसा गया आया गया, इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो। तो यहाँ पे कैश का आउटफ्लो कब हुआ? जब ये मैंने मशीन को परचेज की। बट मैं P&L में 3 लाख का खर्चा, 3 लाख का खर्चा, 3 लाख का खर्चा, 3 लाख खर्चा रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्या पैसा यहाँ से बिजनेस से बाहर गया है क्या? क्या तो क्या ये 3 लाख का खर्चा इस साल किया, रिकॉर्ड किया, क्या पैसा बिजनेस से बाहर गया क्या? क्या पैसा बिजनेस से बाहर गया क्या? पैसा बिजनेस से बाहर गया क्या? क्या पैसा बिजनेस से बाहर गया क्या? नहीं, फिर भी मैंने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया, हाँ, बट पैसा बिजनेस से बाहर नहीं गया, इसलिए इसको कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर। इसीलिए डेप्रिसिएशन को बोला जाता है नॉन कैश एक्सपेंडिचर। खर्चा हुआ बट खर्चा रिकॉर्ड किया, बट इसकी वजह से पैसा बिजनेस से बाहर नहीं गया, आउटफ्लो बिजनेस से नहीं हुआ, इसलिए बोलते हैं बेटा नॉन कैश एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जितने भी खर्चे होते हैं, से एग्जाम्पल सैलरी, से एग्जाम्पल रेंट, से एग्जाम्पल इंटरेस्ट, आज नहीं गया पर कल तो होगा, यह बात तो होता है। अगर आपने कोई प्रीमाइसेस किराए पे ले रखा है, मकान मालिक को आपने किराए का पेमेंट नहीं किया, तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो क्या मकान मालिक को किराए का पेमेंट करोगे? तो जब मकान मालिक को किराए का पेमेंट करोगे तो अल्टीमेटली क्या है, खर्चा कैश हुआ है? हुआ क्या?
बट जब डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ, असेट्स पे लगा रहा हूँ, असेट्स 12 लाख की परचेज की, इसको मैंने परचेज किया तब पैसा बिजनेस से बाहर चला गया, असेट जब परचेज की तब 12 लाख रुपए चला गया। बट अब मुझे बताओ ये 3 लाख में डेबिट कर रहा हूँ, खर्चा डेबिट कर रहा हूँ, बट क्या पैसा इससे बिजनेस से बाहर जाएगा या जा चुका? जा चुका, अब जाने वाला नहीं है। तो दैट इज क्या बनेगा, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये जो राइट ऑफ करना, इस राइट ऑफ करने को टेक्निकल टर्म में हम क्या बोलते हैं बेटा, 12 लाख क्या बोलते हैं, सॉरी डेप्रिसिएशन। एक अगला एग्जांपल लेता हूं। अब एक बात मुझे बताओ, 12 लाख रुपए में असेट्स आपने परचेज की और आपको पता है इस असेट से अंत में 2 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे, तो बताओ ओवर द पीरियड में 12 लाख रुपए राइट ऑफ करोगे या 10 लाख रुपए राइट ऑफ करोगे? बोल जवाब दो। 10 लाख को राइट ऑफ करोगे, तो बताओ आपको डेप्रिशिएट कितना करना है, 10 लाख या 12 लाख? इसीलिए इसे बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। लॉजिक बिहाइंड दैट, मतलब हमें आने वाले सालों में कुल मिलाकर भले ही मैंने 12 लाख के असेट्स परचेज की, बट 12 लाख के असेट्स 12 लाख मैंने आज लगाया, मशीन जब खत्म होगी, एंड होगा उसका यूजफुल लाइफ जब खत्म होगी, तब इस मशीन से मुझे 2 लाख रुपए मिल ही जाएंगे, तो अल्टीमेटली इफेक्टिवली मेरी जेब से कितना पैसा गया, 10 लाख रुपए। तो फिर राइट ऑफ भी कितना करना होगा बेटा, 10 लाख रुपए, 10 लाख डेप्रिशिएबल अमाउंट, मतलब डेप्रिशिएट होने वाला अमाउंट कितना, 10 लाख या 12 लाख? 12 लाख, आई एम सॉरी 10 लाख। अब 10 लाख को मैं यहां राइट ऑफ करूंगा कितने साल में बेटा, 4 साल, कितना आएगा बेटा आपके पास, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। ये जो राइट ऑफ किया, इसको टेक्निकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अब समझ में आया, डेप्रिसिएशन अलग होता है और डेप्रिशिएबल अमाउंट अलग होता है, इसलिए मैंने कल के लेक्चर में बोला था डेप्रिसिएशन अलग है, डेप्रिशिएबल अमाउंट अलग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? डेप्रिशिएबल अमाउंट को ओवर द पीरियड में राइट ऑफ करने से जो अमाउंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अब ध्यान समझना, मुझे ये जो कुछ भी किया तो ये समझ में आया डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, सभी को समझ में अच्छे से आया, डेप्रिशन क्या होता है ये समझ में आप सभी को अच्छे से आया, क्या उम्मीद कर सकता हूं बेटा? तो एग्जाम में आपसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा, देखना क्वेश्चन क्या बोलेगा, कॉस्ट ऑफ असेट्स ₹14 लाख, स्क्रैप वैल्यू ₹1 लाख, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स 5 ईयर, कंप्यूट डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या होती है बच्चा से, डेप्रिशिएबल अमाउंट ना तो सिर्फ देखता है, सिर्फ डीपी देखता है, बस लग जाओ सोल्व करने पे। क्या करता है, 14 लाख में से 1 लाख को माइनस करेगा, डिवाइड पे कितना करेगा, 5 करेगा, बोल देगा ये आंसर। क्योंकि ऑप्शन जब बात करूंगा एग्जाम के अंदर, ए होगा 13 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन होगा कितना बेटा आपके पास, 14 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन आपके पास होगा कितना, कितना बताओ, 14 - 1/5, हाउ मच, 2,66,660, एग्जैक्ट 260। और फोर्थ आंसर होगा बेटा आपके पास कितना बेटा आपके पास, नन ऑफ द अबव। तो आपको ये आंसर तो हजम ही नहीं होगा एक बार देख के बेटा, 13 लाख कैसे हो सकता है यार, क्यों फिगर दिखी ना कोई, आपको 14 में से 1 को माइनस करना था। बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, ये फॉर्मूला लगाता है, आंसर आता है, ये आंसर ऑप्शन दिख रहा होता है, फॉर्मूला से टिक कर देता है, गया। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, इस चीज के सबसे पहले ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन ने क्या आपसे डिमांड किया, डेप्रिसिएशन डिमांड किया है या डेप्रिसिएबल अमाउंट डिमांड किया है, सबसे पहले आप ये पता करो। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा आपके साथ करूंगा बेटा, ध्यान से आप लोग समझना। अब मुझे समझाना है सबसे पहला वर्ड, कॉस्ट ऑफ असेट्स। डेप्रिसिएशन कब से चार्ज किया जाएगा ये भी मेरे को आज समझाना है, डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा ये मेरे को समझ में आया, डेप्रिसिएबल अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, एनीवे हम सबसे पहले इसको निकालने के लिए मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को चाहिए क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ असेट्स। कॉस्ट ऑफ असेट्स के बारे में अपन को चर्चा आपके साथ करनी है। तो कॉस्ट ऑफ असेट्स के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूं, तो मैंने कल एक बात बोली, असेट्स को रेडी फॉर यूज करने तक के, मैंने वर्ड यूज किया रेडी फॉर यूज, दो वर्ड होते हैं बेटा,
ध्यान समझना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। एक वर्ड होता है रेडी फॉर यूज, एक वर्ड होता है पुट टू यूज। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर इसके बारे में इंपॉर्टेंस नहीं पता तो आपके लिए लेट डूबेगा, ध्यान समझना बेटा। पुट टू यूज कुछ काम का नहीं है, सीधी सी बात आपके लिए। पुट टू यूज आपके लिए डेप्रिसिएशन चैप्टर के लिए कुछ काम का नहीं है, और पुट टू यूज डेप्रिसिएशन चैप्टर में ही आता है। पुट टू यूज मतलब जब से आपने एक्चुअली यूज करना शुरू किया उसको बोलते हैं पुट टू यूज। अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपके पास पुट टू यूज गिवन भी है, इग्नोर करना, वो काम का नहीं है, वो आपको ललचाएगा इससे पुट टू यूज दे देके। क्योंकि अगर आप ये गिवन है लेट एग्जांपल 1/4/2018 और ये गिवन है 1/7/2018, समझ में नहीं आएगा आप कहां से स्टार्ट करोगे। अगर दोनों के बारे में आपको नहीं पता तो एक ही बात बोलूंगा, पुट टू यूज इग्नोर इट। आपको यूज क्या होगा आपके पास बेटा, 1/4/2018 रेडी फॉर यूज। इनफैक्ट मैं आपको और बोलता हूं, आपके पास क्वेश्चन में डेट ऑफ परचेज भी गिवन होगा। बेटा थोड़ा सा लेवल बढ़ा है यहां फाउंडेशन में तो लेवल बढ़ेगा, ध्यान समझना। डेट ऑफ परचेज गिवन है 1/1/2018, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एग्जाम में क्वेश्चन गिवन है कि डेट ऑफ परचेज ऑफ असेट्स द 1 जनवरी 2018 एंड पुट टू यूज द 1 जुलाई 2018 एंड रेडी फॉर यूज द 1 अप्रैल 2018। बताओ डेप्रिशिएबल डेप्रिशिएशन चार्ज करने के लिए असेट्स एलिजिबल कब से थी, 1/4/2018। डेट ऑफ परचेज भी कुछ काम का नहीं होता है, अभी तक आपके दिमाग में फिट बैठा हुआ था, जिस दिन से असेट्स परचेज करेंगे तब से डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, एम आई राइट? कुछ काम का नहीं है वो। रेडी फॉर यूज इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। या बट ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिकल सोचो यार, मैं बहुत प्रैक्टिकल आपसे बात करता हूं। आपने मशीन परचेज की चाइना से, परचेज की बेटा 1 जनवरी 2018 को परचेज की, चाइना से वो शिप इंडिया में आ रहा था उसमें 3 महीने लग गए, आया कब बेटा 1/4/2018। जब बिजनेस में रेडी अवेलेबल ही कब से था बेटा आपके पास, बिल तो 4 महीने पुराना भी बन सकता है, 4 साल पुराना भी बन सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो डेट ऑफ परचेज व्हाट टू यूज एक ही बात, रेडी फॉर यूज वही होगा, डजंट मैटर। अब समझना इसके लिए, और मैं थोड़ा टेक्निकल बात करूंगा 2 मिनट के बाद बेटा, थोड़ा वेट करो एक बार। अब ध्यान समझना बेटा, डेट ऑफ परचेज के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं, मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा, आपको अपने आप जवाब जाएगा का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। इसका मीनिंग समझने के बाद आपके जितने भी डाउट आपसे बोलना, आप खुद ही बोलना, खुद ही डाउट जवाब दोगे आप, देखना। ध्यान समझना मेरी बात को बेटा, रेडी फॉर यूज बात कर रहा हूं किस चीज के लिए। मैंने बोला रेडी फॉर यूज तक के जितने भी खर्चे होंगे, मैंने क्या बोला, रेडी फॉर यूज तक के जितने भी खर्चे होंगे उन सभी खर्चों को असेट्स की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। इनफैक्ट असेट्स को परचेज करने से पहले के खर्चे, असेट्स को परचेज करने के बाद के खर्चे, बट बिफोर द रेडी फॉर यूज, नॉट पुट टू यूज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने क्या बोला, परचेज करने से पहले के खर्चे, परचेज करने के बाद के खर्चे, बट ये खर्चे रेडी फॉर यूज से पहले के होने चाहिए। समझना मेरी बात को, सर कैसे, ध्यान समझना। मैंने असेट्स को परचेज किया 1/4/2018 को, ध्यान समझना। असेट्स को परचेज, दिस इज माय डीओपी। ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है ये आप, क्योंकि बेटा ये चैप्टर इसके बाद कभी जीवन में नहीं पढ़ोगे, और अगर आप फ्यूचर में आप बिजनेस करो तो आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होना है। ये पॉइंट बहुत काम का है, कि बिजनेस करोगे तो बिजनेस करने के लिए ये बात तो तय है, असेट्स तो चाहिए चाहिए, और असेट्स चाहिए चाहिए मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो कितनी वैल्यू पे करें मुझे? अरे आपका खुद का बिजनेस है, अगर आप पढ़ रहे हो और फिर पढ़ने के बाद भी किसी सीए के पास जाओगे पूछोगे हमें ये बता दो, तो फिर मतलब कैसे पढ़ाई का मुझे बता दो, ध्यान समझना। तो 1/4/2018 के बारे में आप लोगों से यहां बात करेंगे, ये डीओपी है, ये रेडी फॉर यूज आपके लिए है बेटा। कितना कब का बेटा, 1/4/2018, और आपका पुट टू यूज कब किया आपने बेटा, 1/7/2018 को आपने क्या किया, पुट टू यूज किया। अब एक बात बताओ, जिस मशीन को आपको परचेज करनी है, इस मशीन को परचेज करने से क्या पहले किसी इंजीनियर के पास, किसी टेक्निकल पर्सन के पास गए, उससे बोला भाई एक मशीन में चाइना से कहीं से भी परचेज करो, व्हाट यू डू, क्या ये मशीन मेरी बिजनेस के लिए सूटेबल है, नहीं है, प्लीज आप मेरी फैक्ट्री में आओ चेक करो, जो भी आपकी प्रोफेशनल फीस बनती है आप मुझसे ले लेना। अरे हाँ है ना, दूसरा एग्जाम्पल तो बट ऑब्वियसली बात है, आपने परचेज करने से पहले पूछा के बाद पूछा, बाद में पूछे काम क्या, क्या मशीन तो आ गई ना, तो बट ऑब्वियसली बात है यहां पे आपने क्या किया, किसी इंजीनियर को आपने उसको फीस का पेमेंट किया,
अरे हाँ है ना, मशीन जो आपने परचेज की वो कितने में परचेज की बेटा? 4 लाख रुपए में एक मशीन परचेज की। इंजीनियर आया, इंजीनियर से आप इंजीनियर आया आपकी फैक्ट्री में, उसने आपसे 10,000 रुपए चार्ज कर लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? दूसरा वो आया, अब से एग्जाम्पल आपने मशीन को परचेज करने के लिए, से एग्जाम्पल आप उस सिटी में गए, से एग्जाम मशीन खरीदने के लिए कहां गए आप? चाइना गए। चलो तो आप इंडिया की बात करते हैं, आप इंदौर के रहने वाले हो, मशीन खरीदने चले गए आप मुंबई, इज इट पॉसिबल? अब दिल यहां से आप मुझे बताओ, मैं यहां परचेज की, यहां गए वापस यहां से आए, जवाब दो। आप मुंबई गए और मुंबई से वापस आए, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो क्या इसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगा? बोलो, इनफैक्ट मशीन को लाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगा होगा। आप खुद गए वो खर्चा, क्या मशीन आई फ्री में आई होगी क्या? हो सकता है कि उसका भी भाड़ा लगा होगा, कैरियज लगा होगा, फ्रेट लगा होगा, किसी को वर्कर को आपने वहां पे हमाली का पैसा दिया होगा। इज ऑल आर द एक्सपेंडिचर बिफोर द डेट ऑफ परचेज, इनफैक्ट आफ्टर भी हो सकता है, क्यों आप गए उसका खर्चा। चलो मैं बोलता हूँ ये तो से एग्जाम्पल आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, मशीन को परचेज कर ली, मशीन को परचेज करने के बाद यहां लाने का खर्चा, क्या ये भी खर्चा है? तो उसके बाद का खर्चा, उसके पहले का खर्चा है? मशीन मुंबई खरीदी ना, मुंबई से जो डीलर था उसने बोला कि भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मशीन में खुद भिजवाऊं, खुद आके लेके जाओ और भाड़ा खुद ही खुद पे करना। तो मुझे बताओ, मुंबई आपने मुंबई में परचेज कर लिया, 1/4 को मुंबई से इंदौर में मशीन आ रही है, कब? वहां से लाने का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, के बाद का खर्चा है, पहले का खर्चा? ये खर्चा भी मशीन की कॉस्ट का पार्ट। प्लस क्या इस मशीन को परचेज करने के लिए आपने टैक्सेस का पेमेंट, ये यहां पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वाला फ्रेट लिख दो शॉर्ट में, फ्रेट की बात करूंगा, क्या मशीन को परचेज करने के लिए आपने टैक्स का पेमेंट किया होगा? बोलो, जीएसटी लेट एग्जांपल, जीएसटी का पेमेंट किया होगा? तो जीएसटी मशीन की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। बट इस टैक्स का, ये बात थोड़ी समझ में आपको कम आएगी, जब एग्जीक्यूटिव में आओगे तब इस चीज के बाद डिटेल बात करूंगा, एक पूरा सब्जेक्ट है जीएसटी आपके सिलेबस में बेटा। अगर आपने कोई टैक्स का पेमेंट किया और टैक्स का अगर आपको क्रेडिट मिल जाता है, मैंने क्या बोला? क्रेडिट। सो ये क्या होता है, सुनो ध्यान से बेटा, क्रेडिट का मतलब क्या होता है उसके बारे में आप लोगों से यहां बात करूं। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, अगर आपने कोई क्या परचेज किया बेटा, मशीन परचेज की, तो दुकानदार से मशीन आपने परचेज की होगी तो उससे आपने टैक्स चार्ज किया होगा, उसने आपसे टैक्स चार्ज किया होगा, तो क्या जब मशीन के साथ साथ टैक्स का पेमेंट किया तो ये भी आपका खर्चा है कि नहीं है? प्राइम फेस को ऐड किया जाएगा। बट अगर इस टैक्स का क्रेडिट अवेलेबल होगा, आपके पास नोट्स में एग्जाम में ऑलवेज गिवन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन में अगर टैक्स का पॉइंट है तो टैक्स के साथ ब्रैकेट में लिखा होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, या लिखा होगा क्रेडिट अवेलेबल। अगर क्रेडिट अवेलेबल लिखा है या इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल लिखा हुआ है तो आपको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? लॉजिक बता रहा हूं, किताबों पढ़ोगे लिखा मिल जाएगा आपको। अगर टैक्स है, इफ क्रेडिट नॉट अवेलेबल देन ऐड करना, अगर क्रेडिट अवेलेबल ऐड करने की आवश्यकता नहीं। पर ऐसा क्यों, इस चीज के बारे में अपन यहां पे चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। चेयर नहीं का कुछ भी हला, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना, टैक्स का क्रेडिट मिलेगा तो हम ऐड नहीं करेंगे, क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब ये बात समझना, ऐसा क्यों, ध्यान समझ। आई एम ए शॉपकीपर, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, एग्जांपल मैं कौन हूं, जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, एंड यू आर द सप्लायर, जल्दी आओ फटाफट, आओ दौड़ के आओ फटाफट दोनों, अरे जल्दी आओ, इधर आओ, आप भी आ जाओ जल्दी जल्दी, और टाइम नहीं है बेटा, बहुत पढ़ना है, एक इधर एक उधर, बस ध्यान समझना इस बात को। से एग्जांपल मैंने इनसे एक मशीन परचेज की, ध्यान समझना मेरी बात को बेटा, इस पूरे टेक्नो में जब समझाऊंगा इसे एक बार में फिट समझ में आएगा क्रेडिट क्या होता है बेटा, और ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, बहुत काम आएगा आपके जीवन में। तो से एग्जांपल मैंने इनसे एक क्या किया, ये मशीन परचेज की, ये एक मशीन है जो इनसे मैंने परचेज की, और मशीन के साथ साथ इन्होंने मुझे क्या, मैं बिल लेके आता हूँ, समझ रखो, मैंने इनसे एक मशीन परचेज की, ध्यान समझना, मशीन दो,
मशीन, मशीन के साथ इन्होंने जो बिल दिया, मशीन कितने रुपए की, 4 लाख रुपए की, और मशीन के ऊपर ये 4 लाख रुपए का बिल भी दिया साथ में, और ये 4 लाख रुपए का बिल है प्लस इस पे लगाया जीएसटी 5% से, टोटल मैंने कितना पैसा पे किया, 4,20,000। बताओ मेरी जेब से पैसा कितना गया, तो बताओ मेरी कॉस्ट कितनी हुई, 4,20,000। क्या सभी को समझ में आया बेटा? श्योर, ध्यान समझना। अगला पॉइंट, ये मशीन मैंने इनको सेल की, खरीदना चाहोगे, 6 लाख रुपए की है, लाओ। रिकॉर्डिंग हुआ, आपने हाँ बोला 6 लाख के लिए बेटा, अब तो मैं केस भी फाइल कर सकता हूँ बेटा। 6 लाख रुपए में इनको दी, अब 6 लाख रुपए में इनको मैंने दी, ध्यान समझना बेटा, अरे घबराओ मत, रुको रुको, जाओ मत यार। अब 6 लाख रुपए में इनको मैंने सेल की, जवाब दो, तो 6 लाख रुपए में सेल की तो 6 लाख का बिल प्लस इस पे जीएसटी लगाया 5% से कितने रुपए का, 30,000 रुपए। बेटा हिसाब बढ़ गया है, कितना, 6,30,000 रुपए। अब एक बात समझना मेरी बात को, बहुत अच्छे से ध्यान समझना, मेरे पास एक बिल है 4,20,000 का, ये जो मैंने माल परचेज किया इस पे मैंने बोलो हाँ है ना, तो बताओ मैंने कुल कितना पैसा पे किया, 4,20,000। मशीन आ गई, ये बिल पकड़ो, दिखाओ वैसे बेटा। अब एक ध्यान समझना बेटा, मैंने इनको जेब से 4,20,000 रुपए दिए, आ गए। अब 4,20,000 रुपए दिए, इसमें 4 लाख रुपए किसका दिया मैंने, मशीन के लिए दिया, और 20,000 रुपए किसके दिए, जीएसटी। अब कौन आएगा यार, जल्दी आओ, ये इधर आओ, चलो हाँ जल्दी जल्दी आओ, इधर आओ फटाफट से, इधर को इधर से आओ, जल्दी आओ फटाफट से। ये चार, अब समझ ध्यान से बेटा, 20,000 रुपए इनके पास 4,20 रखे हुए हैं, 4,20 में चार अपनी जेब में रख लेंगे, रखो 4,20, कितने हाथ में अभी बेटा, 20। मैंने कुल कितना दिया, 4,20 दिया, अरे मैंने कितना दिया, 4,20, 4,20 में 4 लाख रुपए मशीन के लिए और 20,000 के जीएसटी, तो क्या जीएसटी के पैसे अपनी जेब में रख लेंगे क्या, नहीं, किसको देंगे, सरकार, 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 सरकार के पास 20,000 रुपए पहुंच गया। अल्टीमेटली पैसा किसकी जेब से गया, मेरी जेब से या इनकी जेब से, मेरी जेब से पैसा गया, क्या इस बात को एग्री करते हो, मतलब देखा जाए मेरी जेब से 20,000 रुपए पहुंच गया, 20,000 रुपए आपको, सरकार आपको भी दिख रहा है, ठीक है एक सरकार ये भी। अब ध्यान समझना मेरी बात को, अब मैंने भी इनको बिल दिया, कितने का बिल दिया, 6 लाख, आपने कितना पैसा दिया, 6 लाख या 6,30,000, आपने मेरे को 6,30,000 रुपए दे दिया, दे दो फटाफट से यार। अब 6,30,000 जेब में रख लूंगा क्या, नहीं, 6 लाख दिया, अभी भी 30,000 रुपए दिख रहा है, दिख रहा है क्या, अब मैं सरकार के पास, अरे सरकार दो कैसे हो गई, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। अब मुझे बताओ ये सरकार, 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 अरे 4,20,000 का कागज है, तब मैं सरकार के पास 30,000 रुपए देने जाऊंगा, सरकार बोलेगी बेटा, सरकार बोल, हाँ, बेटा बोल रहे सरकार बोलती बेटा रुक, तेरे को 30,000 रुपए, मेरी जिम्मेदारी कितनी देने की थी बेटा, 30,000, बट ध्यान से देखो इनके यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है दिमाग में, 20,000 रुपए मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, क्या 20,000 इनके थ्रू यहाँ चला गया, बोलो इनसे मैंने कितना लिया, 30,000, अब ये 30,000 रुपए जो मैंने लिया इसमें से 20,000 ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूं, मैं कितना और पे करूंगा, तो मेरी 30,000 गया, 20 पहले गया, 10 और गया, तो कुल मेरी जेब से कितना गया, 30,000, तो मुझे बताओ मैंने इनसे पैसा कितना लिया, 30,000, और इनको कितना दिया, 20,000, बोलो, तो जो 20,000 में ऑलरेडी दे चुका था, 20,000 में ऑलरेडी मैं दे चुका था, क्या उसमें, और 30,000, देखा है 30,000 रुपए मैंने इनसे लिया, तो देखा है 30,000 देने जा रहा था, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, एक काम करो जो टैक्स तुमने ऑलरेडी पे कर चुका है उसका तुम डिस्काउंट मुझसे ले लो, क्या ले लो मुझसे, डिस्काउंट, तो बताओ मुझे डिस्काउंट कितना मिल गया, 20,000, मैंने जाकर कितना पे किया, 10,000, और जो 10,000 भी मैंने पे किया अपनी जेब से पे किया, इधर से लेके पे किया, और जो 20,000 मैंने इनसे इनको अपनी जेब से पैसा पे किया, क्या वो ऑटोमेटिकली मेरे जेब में वापस आ गया, तो जो टैक्स मैंने पे किया उसका बर्डन मेरी पॉकेट पे गिरा क्या, तो जो 20,000 का टैक्स का मैंने पेमेंट किया, अगर इसका बर्डन मेरी पॉकेट पे गिरता, अगर मुझे क्रेडिट नहीं मिलता तो मैं ऐड कर देता, अरे बट मैं यहां पर ऐड
नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को इस टैक्स का क्रेडिट अवेलेबल हो रहा है तो मैं ऐड नहीं करूंगा। अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा होता तो मैं क्या करूंगा यहां पे ऐड करूंगा। तो कभी लिखा मैंने ना आईटीसी अवेलेबल, कभी ऐसा क्या बोला आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी फुल फॉर्म क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, तो मेरे को कभी भी टैक्स को ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर कोई टैक्स का मैं पेमेंट कर रहा हूं और क्वेश्चन ने बोला क्रेडिट नॉट अवेलेबल, तो उस टैक्स को मेरे को यहां पे क्या करना है बेटा ऐड करना होगा। थैंक यू बेटा, तो मेरी बात समझ में आई, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स का क्रेडिट अवेलेबल है तो आपको कभी भी टैक्स ऐड करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने कोई टैक्स का पेमेंट किया और उसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो उस टैक्स को आपको यहां पे ऐड करना पड़े। और मजे की बात, क्या इस मशीन को परचेज करने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया हो, इज इट पॉसिबल? मशीन को परचेज करने के लिए मैंने क्या किया हो बेटा, लोन लिया हो, क्या ऐसा पॉसिबल? अब एक बात बताओ, मशीन को परचेज करने के लिए लोन, मैंने मशीन यहां परचेज की, लोन इससे पहले भी ले सकता हूं? अरे हाँ है ना, अरे वेडिंग में। और प्रैक्टिकली बात करें तो मशीन को परचेज यहां करना है तो लोन तो पहले ही लिया होगा। तो अगर मैंने मशीन के लिए मैंने लोन यहां लिया तो लोन बैंक वाले बोलेंगे क्या, जब तक तुम मशीन नहीं खरीदोगे तब तक हम तुमसे ब्याज नहीं लेंगे क्या? बैंक ऐसा बोलती है क्या? लोन देने से ही ब्याज का मीटर शुरू, लोन देने से ही जिस दिन बैंक ने लोन दिया तब से ब्याज का मीटर घूमता हुआ जाएगा। क्या इस बात को एग्री करते हो? तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्या ब्याज का मीटर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूमता घूमता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है? तो बेटा क्या बैंक ऐसा बोलती है क्या, जिस दिन तुम मशीन खरीद लोगे उसके बाद ब्याज लगाना बंद कर देंगे, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या बैंक ऐसा बोलती है क्या, जिस दिन तुम यूज करना शुरू कर दोगे ब्याज, बैंक तो बोल जब तक तुम लोन का रिपेमेंट नहीं करोगे तब तक हम तुमसे ब्याज लेते ही रहेंगे, इंटरेस्ट लेते ही रहेंगे। अब मुझे बताओ क्या जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, क्या ये इंटरेस्ट मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, दिस द फाइनेंस चार्जेस, बनेगा या नहीं बनेगा? तो बड़े ध्यान से समझना बेटा, रेडी फॉर यूज तक के लिए, यहां तक का जितना भी इससे पहले जितने भी खर्चे लगे हैं किसी भी नाम से लगे हैं चुपचाप ऐड कर दो। सर इसके बाद जो ब्याज लगेगा उसका क्या होगा? इसके बाद जो ब्याज लगेगा इसको पीएनएल में डेबिट कर देना, बात खत्म। और रेडी फॉर यूज होने से पहले जितना भी इंटरेस्ट लगता है इसको असेस की कॉस्ट में ऐड किया जाता है। क्या कहता है? असेस की कॉस्ट में ऐड किया जाता है। और इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड। क्या समझ, इसको क्या बोलते हैं बेटा? मतलब जितने भी असेट्स को परचेज करने के लिए जो भी हमने खर्चा किया और ये खर्चा अगर असेट्स की कॉस्ट में ऐड हो रहा है तो जितने भी खर्चा, इसको बोलते हैं अमाउंट टू बी कैपिटलाइज, अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया बेटा? तो अमाउंट टू बी कैपिटलाइज समझते हो मतलब क्या? क्वेश्चन बोले अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड तो क्या करोगे बेटा, मुझे बताओ, असेस की कॉस्ट में ऐड करोगे या लेस करोगे? ऐड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है रेडी फॉर यूज करने से पहले, तो एक नॉर्मल बात करता हूं जिससे आसान लगेगा। आपने मशीन परचेज की, एंट्री क्या पास होगी बेटा? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना बेटा? मान लो 10 लाख रुपए में एक मशीन परचेज की। अब ध्यान समझना बेटा, रेडी फॉर यूज होने से पहले आपने फ्रेट का पेमेंट किया, किसका पेमेंट किया? फ्रेट। ये आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, ये खर्चों को भी असेस की कॉस्ट में ऐड करोगे या नहीं करोगे? अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? कैश में पेमेंट किया, कैश तो अकाउंट ये हो गया आपके पास। मान लो आपने 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, वो लिख दिया, डेबिट क्या करोगे? मशीन अकाउंट डेबिट। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है फॉलोइंग में से कौन सा अमाउंट असेट्स अकाउंट में डेबिट होगा। तो असेट्स अकाउंट डेबिट होना मतलब असेट्स की कॉस्ट में ऐड होना। असेट्स की कॉस्ट में कौन से खर्चे डेबिट होंगे? रेडी फॉर यूज तक के जितने भी खर्चे होंगे किसी भी नाम से होंगे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उसे असेट्स की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, असेट्स अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, उसे ही अमाउंट टू बी कैपिटलाइज भी किया जाए। तीनों चीज एक ही है, इस चीज का आप लोग ध्यान। क्या सभी को समझ में आया बेटा? तो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले मैंने समझाया आपको बेटा द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ
असेट्स, क्या समझ में आया थोड़ा बहुत या पूरा पूरा? कॉस्ट ऑफ असेट्स का मतलब क्या होता है, क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्लियर। अगले पॉइंट की बात करता हूँ, स्क्रैप वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रैप वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये होता है बेटा, जिस असेट्स को हमने परचेज किया है, जब इस मशीन की लाइफ खत्म हो जाएगी, जिस असेट्स की लाइफ खत्म हो जाएगी, तो जब लाइफ खत्म होने के बाद भी इस असेट से हमें कुछ पैसा रिलाइज होने की संभावना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रैप वैल्यू कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्क्रैप वैल्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ये ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हो, अगर वहां पर स्क्रैप वैल्यू गिवन है तो हम कंसिडर करेंगे, तो ही इसको यहाँ लेस करेंगे। अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है तो ये एजम्पशन होगा उस असेट्स की स्क्रैप वैल्यू निल है। स्क्रैप वैल्यू क्या बेटा? निल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? और यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। यूजफुल लाइफ असेट्स का मतलब क्या होता है? ये असेट्स की कितनी यूजफुल लाइफ है, कितने साल तक हमारा साथ देगी, उसे बोलते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, थोड़ा बहुत या पूरा पूरा। ये तीन वर्ड समझ में आया बेटा? क्लियर। और डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होगा? ध्यान समझ, कब से? रेडी फॉर यूज, रेडी फॉर यूज से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? एक पॉइंट दिमाग में और आता है, ध्यान समझना। आपने मशीन को परचेज कर लिया, ये पॉइंट बहुत अच्छा होगा, बड़े ध्यान से आप समझना। इसका पहला पॉइंट आसान होगा, सेकंड पॉइंट अच्छा होगा थोड़ा सा। आपने मशीन को यहां परचेज किया, कब परचेज किया? दिस इज द डेट ऑन विच असेट्स इज परचेज। इस दिन आपने क्या किया? असेट्स को क्या किया बेटा? परचेज किया। असेट्स को परचेज करने के बाद आपने यहां रेडी फॉर यूज यहां अवेलेबल हुई, बट क्या मशीन को यूज करने से पहले, एक्चुअल यूज करने से पहले क्या उसका ट्रायल रन किया जाता है? अरे हाँ है ना। तो ट्रायल रन करने के लिए मशीन को चला के देखा जाता है? अरे हाँ है ना। तो मशीन को चला के एक बार उसका डेमो लिया जाता है आने के बाद, तो डेमो लेने के लिए खर्चे लगते हैं। अरे बोलो, तो ये जो खर्चा होता है, इस खर्चे को भी असेट्स की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। इसको हिंट लिखा होगा, ट्रायल एंड रन एक्सपेंसेस। अब एक और बात बोलना चाहिए, क्या आपने ट्रायल एंड रन किया और ट्रायल एंड रन एक्सपेंसेस असेट्स की कॉस्ट का पार्ट बन गया, बट ट्रायल और रन करने की वजह से कुछ प्रोडक्ट निकल के आ गया, क्या ऐसा पॉसिबल है? मैंने क्या बोला? कोई ट्रायल एंड रन एक्सपेंसेस आपने किया और ये ट्रायल एंड रन एक्सपेंसेस करने की वजह से कोई प्रोडक्ट निकल गया। लेट एग्जांपल, आपने एक नमकीन बनाने की मशीन परचेज की, आपने क्या की? नमकीन बनाने की मशीन को परचेज की। अब इस मशीन का एक बार आपने ट्रायल लिया, ट्रायल लेने के लिए आपने उसमें ऑयल डाला, बेसन एंड सारे जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारे आपने डाल दिए, तो कुल मिला के 20,000 रुपए का उसमें खर्चा हो गया, सारे मसाले बेसन वगैरह सब डाल के। अब मुझे बताओ, डाला मशीन, चेक की, मशीन सक्सेसफुल है, मशीन को चेक करने से नमकीन बनकर तैयार भी हो गई, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो 20,000 रुपए तो असेट्स की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, पर अब वो नमकीन निकली, इस नमकीन को बाजार में हमने बेचा और इससे भी हमें कुछ पैसा रियलाइज हो रहा है। कितना? 5,000 रुपए रियलाइज हुआ, तो 5,000 रुपए को यहां से माइनस किया जाएगा। ये ध्यान समझना, ट्रायल एंड रन एक्सपेंसेस किया ऐड होगा, और ट्रायल एंड रन एक्सपेंसेस करने की वजह से कुछ प्रोडक्ट निकल कर आता है और इस प्रोडक्ट से हमें कुछ अमाउंट रियलाइज होता है, तो उस अमाउंट रियलाइज को भी असेट्स की कॉस्ट में ऐड करेंगे या लेस करेंगे? लेस। डेबिट करें या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? उसे क्रेडिट किया जाएगा। ऐड करना हो तो डेबिट, लेस करना हो तो क्या बेटा? क्रेडिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, आफ्टर रेडी फॉर यूज, अगर असेट्स को परचेज करने के लिए, अगर आपने कोई मतलब असेट्स को परचेज करने के लिए आपने कोई लोन लिया था और लोन पे इंटरेस्ट आफ्टर रेडी फॉर यूज हो रहा है, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? डेबिट इन पी एंड एल, डेबिट इन असेट्स अकाउंट, डेबिट इन पी एंड एल, पीएनएल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा। अब ऐसी बातें आपसे पूछेगा तो आपको क्लिक होना चाहिए इस चीज के रिगार्डिंग बेटा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रिगार्डिंग क्या बेटा? डेप्रिसिएशन। यहां तक थ्योरी पार्ट था, अब यहां से थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन यहां से शुरू आपके लिए होगा। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे कुछ पूछ सकते हैं बेटा। बोलो, कुछ डाउट है क्या? पीपीई का फुल फॉर्म है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दैट्स इट। समझाया तो मैंने, है ही नहीं बेटा। एस टेन है बेटा,
ध्यान समझना, पीपीई क्या डिफाइन करता है? एस 10 ये बात करता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाएगा, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या मैनर होगा और उन पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाएगा, ये एस 10 बात करता है। बाकी बेटा 4 दिन का चैप्टर है ये, क्या कम से कम 4 दिन का चैप्टर है, ठीक है, बस इतना ही समझ ले अपन 4 मिनट के अंदर। रेडी फॉर यूज, कैसे यूज होगा ऐसा? टैक्स क्रेडिट, वो तो टैक्स पढ़ना पड़ता है उसके लिए। आप तो सिर्फ इतना ना ना आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, टैक्स है ऐड कर देना, टैक्स है ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, क्रेडिट अवेलेबल, आईटीसी अवेलेबल, तो उस टैक्स को ऐड मत करना, बात करता हूं। कोई भी टैक्स दिखे एड हिम, बट ब्रैकेट में लिखा हुआ मिले आईटीसी अवेलेबल, क्रेडिट अवेलेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, तो उसको ऐड मत करना, दैट्स इट। इतना ध्यान रखना आपको। अब कैसे यूटिलाइज करना है तो बहुत बड़ा पॉइंट है बेटा, अभी नहीं। हम बात करें ट्रायल एंड एक्सपेंसेस के लिए, असेट्स परचेज करने के लिए अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस किया वो तो हम ऐड करेंगे, असेट्स को परचेज भी कर लिया बट मशीन को एक बार चलाकर देखना चाहते हैं आप, वाकई में उसको एक्चुअली यूज करने से पहले आपने खुद ने ट्रायल रन किया, किसी इंजीनियर को बुलाया भाई चला के बता, हम तो जानते भी नहीं है, तो इंजीनियर आया उसने फीस ली, आने के बाद भी फीस ले सकता है, प्लस उसने चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डलवाया या कुछ भी आइटम उसमें डलवाया, जैसे अपन नमकीन बनाने की मशीन है तो उसमें ग्राउंड नट ऑयल डलवाया उसने, बेसन डलवाया, तो सब खर्चा लगा होगा इसके लिए, तो वो सब खर्चे जो किया है वो भी असेट्स की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। और इस ट्रायल एंड रन करने की वजह से मान लो कोई प्रोडक्ट निकल के आया और उसको हम बेच सकते हैं, उससे कुछ पैसा रिलाइज होता है, उस अमाउंट को भी यहां से क्या किया जाएगा, लेस किया, ऐड नहीं करेंगे, लेस। मैं बाकी सबको ऐड करने के लिए बोला, सिर्फ इसी को क्या बोला, लेस। बोलो हाँ ना, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें से पहली मेथड का नाम है कौन सा बेटा आपके पास, SLM, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, चर्चा हम कब करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।